जय श्री राम। वेलकम बैक, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो अभी हम खड़े हैं भूत सिटी में और आज हम देखेंगे भूत सिटी को। और कल 22 जनवरी यानी कि भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, तो इसके चलते पूरे देश को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो आज हम देखेंगे भूत सिटी को, तो वीडियो में जरूर बने रहना और आपको दिखाएंगे भूत सिटी को किस तरीके से सजाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भूत के न्यू एसटी बस स्टेशन के सामने। आप देख सकते हैं मेरे पीछे और ये है आसपास का व्यू। और पुलिस बंदोबस्त बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अब हम चलते हैं बस स्टेशन के अंदर और आपको दिखाते हैं बस स्टेशन के अंदर का नज़ारा। तो चलिए चल। हाँ, बस स्टेशन के अंदर और एक बहुत ही गजब है। तो चलिए आप चलते हैं ऊपर और आपको चलते हैं दूसरे फ्लोर पे चलते हैं और ऊपर देखते हैं दूसरा फ्लोर कैसा है। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरे फ्लोर पे और यहाँ से हमने एंट्री ली थी। तो चलिए और आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको ये भूत सिटी का है न्यू एसटी बस स्टेशन। चलिए चलते हैं। अभी जो ऊपर तीसरा फ्लोर है वो फिलहाल बंद है, तो चलिए आप करते हैं नीचे। तो चलिए अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे टिकट मिलती है। तो चलिए चलते हैं। इस तरफ आप मेरे पीछे देखे हैं यहाँ पे टिकट की बुकिंग होती है और कुछ ऐसा नज़ारा आप देख सकते हैं भुज का न्यू एसटी बस स्टेशन का। तो आपने अभी अभी देखा ये है भूत सिटी का न्यू बस स्टेशन, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं बस स्टेशन से बाहर। तो अभी हम आ चुके हैं बस स्टेशन से बाहर और चलते हैं आपको भूत सिटी के हमेशा लेके चलता हूँ। वहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, उसके चलते कुछ कार्यक्रम चल रहा है। वो कार्यक्रम मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं।
चलिए अब हम चलते हैं स्वामी नारायण मंदिर के पास और मैं आपको चलता हूँ वहाँ का नजारा दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्वामी नारायण मंदिर के पास, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो चलिए मंदिर के पास में जाकर मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो चलिए तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलते हैं फिर किसी और खूबसूरत वीडियो के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।